हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने मम डैड के साथ मंगस खेलेंगे। उसमें हमारी और शीरो भी होंगे और साथ में मेरी प्यारी प्यारी ननको दीदी भी होंगी। ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। हमारी आ गई, डैड भी आ गए, इनकी मम भी आ गई, शीरो भी आ गया, अब बस ननको दीदी ही रह गई है। सुनचान, क्या तुमने ननको को भी बुलाया है? अरे सुनचान बेटा, ननको आ गई तब तो और ही मजा आएगा बेटा। आगे पेगा बा। हेरी परी, मेरी ननको दीदी कहाँ रह गई है, कहाँ रह गई है? सुनचान वो आती ही होंगी। हेरी बा, ननको दीदी आ गई है, मैं आ रहा हूँ ननको दीदी। ये कौन है? आ जाओ सुनचान। अरे ये क्या, ये तो ननको दीदी की फ्रेंड है। ये क्या हो गया, मैंने क्या क्या सोचा था और ये क्या हो गया? सुनचान ननको नहीं आ पाई इसलिए उसने मुझे भेज दिया है। हम लोग साथ में खेलेंगे सुनचान। नहीं नहीं सुनचान। अरे गेम स्टार्ट कर दो बेटा। मैं भी जाती हूँ। मैं भी आता हूँ। चलो सुनचान, हम दोनों एक साथ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे भागो, जल्दी भागो। अरे वो मोटू दीदी मेरे पीछे ही आ रही है। लगता है बच गया। चलो टास्क ही कर लेते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है, दूसरा कोई टास्क करता हूँ, यही वाला कर लेता हूँ। ये आसान लग रहा है क्योंकि सफाई तो मेरी माँ मुझसे रोज ही करवाती है। अरे भाई तो हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इम्पोस्टर को ढूंढना होगा ताकि मैं ये गेम जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊँ। अरे यहाँ तो वही दीदी है, मैं गई यहाँ से। अरे काश ननको दीदी आई होती, तब तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। अब मुझे इम्पोस्टर का पता लगाना होगा। आप ऐसा क्यों करते हैं हैरी? तो तुम भी तो अपनी सेविंग छुपा कर रखती हो। नहीं, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तो तुम क्यों मुझे हमेशा डांटती रहती हो? हैरी चुप हो जाइए। मित्र तुम बहुत बोल रही हो। अरे यहाँ तो बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, मेरी यहाँ से निकलने में ही भलाई है, कहीं मैं भी इसमें ना फंस जाऊँ। अरे शीरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन एक मिनट, शायद डैड को मेरी जरूरत है, मुझे डैड की हेल्प करनी चाहिए। हिमावरी मेरे साथ चलो, वहाँ मामा और डैड की लड़ाई हो रही है। जल्दी चलो जल्दी चलो। मामा ने तो डैड को मार दिया है। हिमावरी शांत हो जाओ, मामा तो डैड को मार के भाग गई है। ये क्या किसी ने मामा और डैड दोनों को मार दिया है। अरे ये हिमावारी क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम ही इम्पोस्टर हो, तुम्हारा शुरू से यही प्लान था। तुम ननको दीदी को नहीं भेज के हम लोग को परेशान करोगी। ऐसा कुछ नहीं है सुनचान। पू पू पू। हिमावारी और शीरो तुम लोग सिप करो। इधर मेरे मुख देख रहे हो सब, अपना टास्क क्यों नहीं करते? अब मुझे अपना डिटेक्टिव माइंड लगाना ही होगा। जब वहाँ पर मॉम डैड की लड़ाई हो रही थी और मैं वहाँ से भागा था, तब मुझे वहाँ पर शीरो दिखा था, वो उन्हीं की साइड गया था। शायद शीरो ने ही मारा हो, मुझे पता चल चुका है शीरो ही इम्पोस्टर है। मुझे इसका पीछा करना होगा और इसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। अरे शीरो, तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? चलो मैं उसके पीछे चलता हूँ, मुझे जाना होगा, कहीं शीरो मेरे हाथ से निकल ना जाए। मैं इस गेम में तो बहुत दिमागदार हो गया हूँ। अरे वाह, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अरे ये क्या, शीरो कहाँ निकल गया? हाँ आगे ही गया होगा वो, कहीं ये शीरो मेरे हाथ से ना निकल जाए, मुझे जल्दी शीरो को पकड़ना होगा। अरे ये क्या, ये शीरो को किसने मार दिया है? मैं अभी इसे रिपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो मोटी दीदी ही इम्पोस्टर है, और मैंने मीटिंग की तो वो भोली वाली हिमावरी को अपनी तरफ कर लेंगी। मुझे हिमावरी को ढूंढ के सबसे पहले उसको बचाना होगा। जल्दी हिमावरी को ढूंढता हूँ। सुनचान रुक जाओ। अरे बापरे, लगता है इनका अगला शिकार मैं ही हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये क्या, जल्दी भागो। रुको सुनचान, मेरी बात सुनो। हिमावरी हिमावरी कहाँ गई? हिमावरी ये रही। अरे हिमावरी, ये इम्पोस्टर है, इनसे दूर रहो। तुम्हें मेरी बहन को मारने से पहले मुझे मारना होगा। ये क्या, हिमावरी ही इम्पोस्टर थी। अरे हिमावरी, तुमने अपने बड़े भाई के साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो बेकार में ही दीदी पर शक कर रहा था। हाँ सुनचान, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आ रही थी कि मैं इम्पोस्टर नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं सॉरी। अरे हिमावरी बेटा, तुम तो बहुत अच्छा खेलने लगी हो। आखिर बेटी किसकी है? इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।